शित वाक्य की किताब और उसका उन्नीस अध्याय पद एक द बुक ऑफ रेविलेशन चैप्टर नाइनटीन एंड वर्स वन ऑनवर्स वहां लिखा है इसके बाद अब यह कौन सी घटना है जिसके बाद मैंने स्वर्ग से मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना हाल लुया उद्धार नंबर वन महिमा नंबर टू सामर्थ्य नंबर तीन हमारे परमेश्वर ही की है महिमा भी उसके है सामर्थ्य भी उसकी है और उद्धार भी उसका है मुख्यतः उद्धार है आपको जानकारी मिले इन बातों के बाद कौन सी बातों के बाद आपको जानकारी मिले कि यहोन्ना का प्रकाशित वाक्य यहोन्ना जॉन द डिवाइन के द्वारा लिखा जा रहा है और वह भविष्य में होने वाली घटना को एडवांस में दर्शन में देख रहे हैं। घटनाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। वरन इस वचन के अनुसार भविष्य में ये घटनाएं घटेंगी इसलिए इस किताब को पढ़ने से हमको दो व्यूज मिलते हैं एक तो मानो हमारे सामने यह घटना घट रही है नंबर टू हम होने वाली घटना को एडवांस में देख रहे हैं आज की हालात में वे घटनाएं घटित नहीं हुई हैं। कल घटेंगी यह पहला व्यू है दूसरी ओर एट प्रेजेंट आप वहां चले जाइएगा जहां वास्तव में यह घटनाएं आज आपके सामने घट रही हैं तो इन बातों के बाद कहने का मतलब होता है कि वो उन घटनाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है और ये कौन सी घटना है आपको मालूम हो वे सात साल के काल को हमने जो दो भागों में बांटा था उसमें प्रारंभ के साढ़े तीन साल तो शांति के गुजर गए और बकाया जो साढ़े से तीन साल जो काल के हैं उसमें अलग अलग प्रकार की घटनाएं एक समय पर शुरू होंगी इसलिए हर एक घटना को एक एक तरीके से साढ़े तीन साल में फिर दूसरी घटना को दूसरी लाइन में साढ़े तीन साल में और फिर तीसरी घटना को साढ़े तीन साल में इस तरीके से हम प्रकाशित वाक्य के साढ़े तीन साल की घटनाओं को लिखे गए क्रमबद्ध तरीके से नहीं समझ सकते हैं क्योंकि जिस क्रम में ये लिखा गया है वो क्रम वैसा नहीं है जैसा लिखा गया है क्योंकि एक घटना को साढ़े तीन साल के प्रारंभ से लेकर के साढ़े तीन साल के, के, के आखिरी तक समझाने के लिए एक से हम उन घटनाओं को घटित होता हुआ देखते हैं फिर हम उसी घटना को दूसरी घटना को प्रारंभ से साढ़े तीन साल के आखिरी तक देखने के लिए हम लोग क्रमबद्ध देखते हैं इसलिए आपको जब प्रकाशित वाक्य पढ़े तो हम ये ना सोचें कि पहले अध्याय में दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में पहले पद में दूसरे पद में और तीसरे पद में जिस तरीके से लिखा गया है वो घटनाएं लिखे गए क्रमबद्ध तरीके से होंगी ऐसा नहीं है जब बाइबल कहती है इसके बाद मैंने कौन सी घटना जो पहले बता दी गई है और आगे भी बताई जाएगी वो वाली घटना भी घटी नहीं है इसलिए क्रम टूट जाता है वास्तव में देखा जाए तो जिस बड़े नगर बाबुल के जल जाने की बात अठारवें अध्याय में और कुछ उन्नीसवें अध्याय में भी इसकी झलकियां दिखाई देती हैं यह काम पूरा हो चुका है वो बड़ा बाबुल जैसे कि तीसरे पद में हम देखें तो वहां लिखा है दूसरे दूसरे पद से पढ़ लेते हैं क्योंकि उसके निर्णय सच्चे इसलिए कि उसने उस बड़ी वैश्या को जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया मतलब काम हो गया है नवे अध्याय उन्नीसवें अध्याय में जब ये बातें कहा कि इसके बाद अर्थात उस बड़ी वैश्या के आग में जलाए जाने के बाद की घटना उन्नीसवें अध्याय में शुरू होती है इसलिए इसके बाद शब्द काम में लाया जाता है व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया मतलब न्याय ऑलरेडी ओवर हो गया है यदि आप एच एट प्रेजेंट उस घटना को घटने के समय में वीडियो बना रहे हैं तो यहां पर वो वैसिया जिसने को व्यभिचार करके परमेश्वर के सामने न्याय संगत खड़ा किया और अपने दासों के लहू का पलटा लिया फिर दूसरी बार उसने कहा हाले इसकी जलने का धुआं युगान युग उठता रहेगा अर्थात वही पुरानी वैसिया यदि आप यदि आप अठारहवें अध्याय को शुरू से लेकर के आखिरी तक पढ़ें तो इसकी ओर हम इन बातों के बाद अर्थात किन बातों के बाद जरा ध्यान से सुनिएगा लूसीफर और उसके साथ काम करने वाले जितने भी गिराए हुए स्वर्गदूत हैं प्रधान अधिकारी हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना यह इनकी अपनी जो टेरिटरी है वे सब मिलकर के परमेश्वर के विरुद्ध काम करने जा रहे हैं और उसकी जो दुश्मनी है इस पूरे, इस पूरे पूरे तंत्र की जिसमें प्रधान अधिकारी हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेना हो जाती है वे मनुष्य की आंखों को अंधा किया चाहती हैं क्योंकि दूसरा कुरंथियों की किताब और उसके चौथे अध्याय और उसके चौथे पद में बाइबल कहती है दूसरा कुरंथियों की किताब और उसका चौथा अध्याय और उसका चौथा पद जिसको बार हम पढ़ चुके हैं फिर भी समय आ गया इसलिए पढ़ना जरूरी है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंड अवर आइज स्प्रिचुअलाइज ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है सबसे बड़ी जो दुश्मनी है मसीह को परमेश्वर के प्रतिरूप में देखने की जो आँखें हैं उसको अंधा कर देना इस संसार के प्रधान की आवश्यकता रहती है क्यों आखिरकार मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है इसके विरुद्ध ये पांति बांधे क्यों खड़े हुए हैं आगे आ जाएगा लिखा है उसके तेजो महसूस समाचार का प्रकाश उन पर ना पड़ेगा तेजो मैसूस समाचार गॉस्पल एंड द ग्लोरियस गॉस्पल यदि उचित ट्रांसलेशन किया जाए तो वहां लिखा है रेडियंट गॉस्पल तेजस्वी समाचार। मलयालम में मलयालम में आ, इसके लिए आ, तेजस इंड सुषम सुशेषम एंड तेजस इंड सुसमाचार और तेजस्वी सुसमाचार आपको मालूम है अंधकार की सत्ता को सुसमाचार से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है जिसमें से सब लोग जो यश मसीह को मानने और जानने वाले हैं एक दूसरे को सुनने और सुनाने का काम करते हैं बाइबिल में ये लिखा है बाइबिल में ये लिखा है बाइबिल में ये लिखा है आज ये बाइबिल में क्या लिखा है बताने वालों का और बाइबिल में क्या लिखा है उसको सुनने वालों का बाजार भारी गर्म है आपको जानकारी मिले इससे अंधकार की सत्ता को ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता चलो तुम सुनने का काम करो और बाकी सुनाने का काम करे। अपने अपने बिज़नेस में लगे रहो, उससे मेरा कुछ नहीं होता है परंतु बात है तेज सिंध सुशेषम सुसमाचार जो ग्लोरियस है महिमावान सुसमाचार आपको मालूम है सुसमाचार में इंफॉर्मेशन है